फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। झारखंड पुलिस रिक्वायरमेंट 2018 जो होम गार्ड 1955 पोस्ट के लिए है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया, उसको आप भरना है आपको। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके आसानी से। झारखंड गृहिणी रक्षा वाहिनी पलामू के लिए जो निकला है ये फॉर्म, इसमें नामांकन के लिए आपको फॉर्म भरना होगा, आवेदन देना होगा। इसका जो शुरुआती आप यानी कि ये दो तरह से निकला है, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए निकला है और शहरी गृह रक्षकों के लिए निकला है। तो ग्रामीण गृह रक्षकों में तहरी जो है उसमें 58 रिक्त स्थान है, पड़वा में 51, रामगढ़ में 110, उटारी में रोटारी रोड 93, हैदर नगर 83, मोहम्मदगंज 77, नवाब जार 104, नवाडिया बाजार 110 और पिपरा में 96, यानी कुल 782 इसमें आपके रिक्त स्थान है ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए होमगार्ड। और जो बहरी है यानी शहरी के लिए 173 जो आपका रिक्त स्थान है उसमें से पुरुष 36 हैं और महिलाएं 17 कुल यानी 53 है। अब आपको यहाँ पे जानना है कि इसका क्या मतलब उम्र सीमा है और क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता है। तो ये इसकी उम्र सीमा जो है वो 19 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक है, जो 1/1/2018 को न्यूनतम 19 वर्ष होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता इसका 7वीं पास है ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए, और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक परीक्षा यानी 10वीं पास होनी चाहिए। शारीरिक मापदंड पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर है, सामान्य OBC और SC ST के लिए 157 है और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर है। सीना जो है आपका केवल पुरुषों के लिए है 79 सेंटीमीटर है, और 76 जो हमारे जो SC ST हैं जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है उनके लिए है। तकनीकी दक्षता सिर्फ बाहरी गृहरक्षकों के लिए है, जो आपके शहरी के लिए उसके लिए है। जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है या टंकन है तो उसका उसे लाभ मिलेगा, जैसे कोई रसोईया है, बिजली मिस्त्री है, उस सब चीज़ में उसको लाभ मिलेगा। उसका चयन प्रक्रिया है इसकी एक शारीरिक जांच परीक्षा होगी, जो 1 मील की दौड़ होगी, ऊँची कूद होगी, लंबी कूद होगी, शॉर्ट पुट होगी उसमें शामिल। उसमें अंक आपका जोड़ दिया जाएगा, उस अंक उसे दिया जाएगा, उसका अंक जो कैसे दिया जाएगा ये भी दिया हुआ है। देखिए सब पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। यदि आप 5 मिनट से पहले दौड़ दें तो 20 अंक मिल जाएगा, महिलाओं के लिए अलग दिया गया है। और तकनीकी दक्ष जो शहरी के लिए है उनके लिए भी अलग है, वे अपना 6 मिनट में या उससे पहले करते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा, महिलाओं के लिए भी इसमें अलग अंक दिए गए हैं। आप देखिए इसमें हर चीज़ अलग दिया हुआ है, वो उसके लिए कम है महिलाओं के लिए। और इसके बाद आपका दूसरा जो है हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा होगी, यानी शारीरिक परीक्षा। ये जो आपका हिंदी लेखन परीक्षा होगी ये क्वालिफाइंग होगी, ये आपके 100 अंक में आपका 30 अंक लाना है, बस क्वालिफाई करना है इसमें। और जो आपका तीसरा जो तकनीकी दक्षता परीक्षा जो होगी वो आपका 100 अंक का होगा, जिसमें 30 अंक लाना है। इसमें भी एक क्वालिफाइंग है, ये आपके यानी कि जो आपका जो शहरी के लिए है उसके लिए है, ग्रामीण के लिए ये नहीं है। और ये जो आप जितने भी अंक लाएंगे, जैसे आपको कोई खेल कूद में या पुरस्कृत किया गया है या उसका आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, अतिरिक्त अंक मिलेगा। कोई राष्ट्र स्तर का खेल कूद हो या राज्य स्तर का, तो राष्ट्र स्तर में प्रथम 6 अंक है राज्य स्तर में, और जो 3 अंक हैं वो आपको मिलेंगे। और जो शहरी शिक्षक के जो स्वयं सेवक सरकारी सेवा है उसको 10% नामांकित के लिए सीमा निर्धारित है, पूर्ण 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय का प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों को भौक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिए जाएंगे, यदि वो स्नातकोत्तर हैं तो 10 अंक मिलेंगे, स्नातक हैं तो 8 अंक मिलेंगे, इंटरमीडिएट है तो 6 अंक और मैट्रिक है तो 4 अंक। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आपको जिला समादेष्टा झारखंड गृह रक्षिणी वाहिनी पलामू में जाना होगा। वहाँ आपको हाथों हाथ भी आप कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। डाक द्वारा भेजने वाले को उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या लिख दें और आवेदित पद का नाम लिख दें, जिस पद के लिए आप करना चाहते हैं आवेदन। ग्रामीण गृह रक्षक प्रखंड और शहरी गृह रक्षक गैर तकनीकी, ये सारे चीज़ उसमें लिख दें जिस चीज़ के लिए आप करना चाह रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है वे 5/3 यानी 5 मार्च 2018 से 12 मार्च 2018 तक है,
इसका 10 बजे से आप 3 बजे तक दे सकते हैं, यानी 10 बजे से 15 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। जो आवेदन हाथों हाथ हो आवेदक हाथों हाथ उन्हें तुरंत पावती रसीद दिया जाएगा। उस रसीद को ही जो उसमें अंक जो दिया जाएगा वही आपका रोल नंबर माना जाएगा। तो जो आवेदक डाक द्वारा प्राप्त होगा उसको पावती पर क्रमांक अंकित कर दिया जाएगा, जो आवेदन का रोल नंबर माना जाएगा। सामान्य डाक द्वारा आवेदक के हाथ आवेदकों के पता का भेजा आवेदकों के पता पर भेज दिया जाएगा। उसके लिए जो एप्लीकेंट है अपने आवेदन पत्र के साथ एक सादा लिफाफा पर 5 रुपये का टिकट जो है वो आपका सटकाकर उसमें पूर्ण पता लिखकर भेजें। पावती प्राप्ति नहीं होने से विलंब प्राप्त होने की जिम्मेवारी कार्यालय की नहीं होगी, इसलिए आप उसे अच्छे से भरें। तो एक आवेदक से एक ही आवेदन प्राप्त करने की स्वीकृति होगी, मतलब एक आवेदन है तो आप एक आवेदक एप्लीकेंट है तो एक ही आवेदन दें, दूसरा कोई ज़्यादा एक से ज़्यादा ना दें। एक से अधिक आवेदन का आपका रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए पूरी तरह से सावधानी बरतें। जांच परीक्षा की तिथि तथा स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार के द्वारा आपको पता चल जाएगी और मैं भी आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। ये आपका आवेदन का नाम, ये जो आपका है ये यानी कि कैसे फॉर्म रहेगा, आपको ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, उसका प्रपत्र है, प्रारूप है ये एप्लीकेशन का, ये टोटल फ़ोटो भी लगेगा उसमें। तो ये सारी पूरी जानकारी थी झारखंड गृहवाहिनी रक्षक पलामू के लिए। तो फॉर्म भर दे आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, गॉड ब्लेस यू।